देखो, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आपके हाथ में प्रोसेस है तो आप पढ़ाई करो, एंड आप लोगों ने किया। और जिन्होंने भी बहुत ईमानदारी से पढ़ाई किया था उन सबका पेपर अच्छा गया, ओवरऑल सबका अच्छा गया है, राइट? आपका पेपर कैसे गया वो नीचे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जो हमने इंग्लिश के सेशंस कराए थे 3 दिनों तक, क्या आपके लिए वो हेल्पफुल था? जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड लर्नर्स, अब आगे क्या करना है ये मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है? फर्स्ट आपको कमेंट कर देना है कि आपका कैसा गया। सेकंड, अगर 1-2 मार्क्स के छोटे मोटे या फिर थोड़े बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो गया होगा पेपर में, तो इग्नोर इट, दैट्स अ पार्ट, वो एग्जाम था, ठीक है? होने के चांसेस थे एंड वो हो गया। अब हमारा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट पेपर पे। बट बाय द वे, इंग्लिश का आज आपके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आज तुम्हारे लिए 3 बजे, ठीक है, 3:30 बजे आई मीन टू से, इंग्लिश का एक सेशन होने वाला है, ये दिख रहा होगा आपको। और इसमें चंद्रशेखर सर आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपने क्या किया, नहीं किया, कैसा होगा, नहीं गया, क्या गलत था, क्या सही था, सर विल डिस्कस विथ यू। अच्छा, इसके बाद लर्नर्स, अगर हम इसके बाद बात करें तो आज ही रात के 9 बजे, लाइक यू कैन सी हियर, ये एक सेशन है, ये एक सेशन है और ये एक सेशन है, क्योंकि अगला पेपर आपका हिंदी का आया, तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो अगले 6 घंटे में, मतलब 9 बजे आपका एक सेशन होने वाला है हिंदी का। चैनल पे आप जाओगे सीधे दिख जाएगा आपको। फिर आपको कल आपको एक 3 बजे दिन में देखने को मिलेगा एक सेशन जिसमें हम राइटिंग स्किल डिस्कस करेंगी मैम, और फिर एक और सेशन होगा जिसमें आपको ग्रामर डिस्कस किया जाएगा कल 3 बजे, और ये दूसरा वाला एक्चुअली 9 बजे होगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ कि आपका आज एक सेशन होने वाला है 3:30 बजे जिसमें इंग्लिश का पेपर चंद्रशेखर सर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके लिए। उसके बाद आप आज 9 बजे एक सेशन अटेंड करोगे जिसमें हिंदी की स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाएगी मैम द्वारा, जो हिंदी की टीचर है हमारी। इसके अलावा आपका, ठीक है, कल 3 बजे एक सेशन होगा जिसमें मैम आपके साथ ग्रामर डिस्कस करेंगे, और कल ही एक 9 बजे सेशन होगा जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा राइटिंग स्किल ऑफ हिंदी। एंड मैं भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि हिंदी की स्टडी कैसी करनी चाहिए। तो आप लोग फुल टू मजे कर सकते हो उस चैनल पे, सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, एंड एग्जाम में जाके ऐसे मचाते रहो। अच्छा, जरूर कॉमेंट्स में बता देना कि आपको कैसा लगा। एंड हाँ, एक बात बताऊँ, आप में से जितने भी लोग 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं ना साइंस में, उन सब के लिए भैया फिजिक्स पढ़ाएंगे और योगेश सोनौने सर मैथ्स पढ़ाने वाले इस चैनल पर, और साथ ही साथ हमारे बैचेस भी होंगे जिसमें आप हमारे साथ कर सकते हो और हमारे साथ सीख सकते हो। तो वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। अभी जो जो था वो मैंने आपको बता दिया। कमेंट डाउन एंड बी इन दो सेशन जो आपके लिए लिया जा रहा है, दैट इज ओनली फॉर यू और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है यूट्यूब पे। हैप्पी लर्निंग लर्नर्स, ये सेशंस आपके लिए फ्री है, मेरे लिए नहीं, मुझे पे करना पड़ता है टीचर्स को, और सारे अच्छे टीचर्स को, सारे अच्छे टीचर्स हैं तो उनको हाई पे करना पड़ता है, बट ये आपके लिए है तो उसका पूरा फायदा उठाना। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका पेपर कैसा गया।